गुड इवनिंग सभी साथियों को, बहुत सारा प्यार स्वागत है आपका जियोग्राफी की इस कक्षा में। जैसा कि हमने कल आपको बताया था कि हम लोग जियोग्राफी जो है मंडे टू फ्राइडे रात्र में 8 बजे से 9 बजे तक पढ़ेंगे। 10-15 मिनट का थोड़ा सा लेट है, उसके लिए थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम थी, मैं माफ़ी चाहता हूँ। ठीक है, चलिए स्टार्ट करता हूँ कक्षा को। उसके पहले मैं कक्षा को शुरू करने से पहले आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा महापराक्रम बैच। ये महापराक्रम बैच इसका इसलिए नाम रखा गया क्योंकि जो मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा आई है, इसमें जो भी बच्चे सिपाही की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं वो लोग हमारे एप्लीकेशन स्टडी पाइप में को जाके डाउनलोड कर लें और वहाँ पर इस बैच के अगर आप जुड़ते हैं तो मान लीजिए संपूर्ण तैयारी यहाँ पर आपकी हो जाएगी, जिसमें आपको मैथ, रीजनिंग, जीएस, साइंस और एमपीजीके का पूरा एक प्रकार से आप कह सकते हो विशेष ज्ञान मिलने वाला है। ठीक है, और जो आपको महापराक्रम बैच दिख रहा है इसकी फीस मात्र 1499 रुपये है और लिमिटेड सीट्स हैं। ठीक है, तो इसका स्टडी पाई अभी जिन बच्चों ने डाउनलोड नहीं किया है वो लोग डाउनलोड कर लें। और मैं बताना चाहता हूँ यहाँ पे कि इसमें जो डेली है 3 से 4 घंटे की क्लासेस आपको मिलेंगी। ठीक है, याद रखिएगा। और मैं सभी बच्चों को बहुत सारा प्यार गुड इवनिंग भी बताना चाहता हूँ। ठीक है, और महापराक्रम बैच का आपको टाइम टेबल भी दिख रहा होगा जिसमें मंडे से लेकर सैटरडे तक क्लासेस हैं और संडे हॉलीडे रहेगा, जिसमें आपके जो क्लासेस हैं वो 4 घंटे की होंगी, 6 बजे शाम से लेकर शुरू होंगी और रात्र के 10 बजे तक का चलेंगी। ठीक है, और डेली क्लासेस होंगी, मैथ की भी होंगी, रीजनिंग की भी होंगी, एमपीजीके की होंगी और जीएस की भी होंगी, जिसमें कई सारे टीचर्स आपको मार्गदर्शन करेंगे इसमें, जिसमें मैं खुद आपको ऑलरेडी यहाँ पे स्टैटिक जीके और ज्योग्राफी और पॉलिटी पढ़ा रहा हूँ। और यहाँ पर आपको जो साइंस पढ़ा रहे हैं वो अंकित सचान सर द्वारा पढ़ाई जा रही है, वो आपको पूरा का पूरा साइंस कवर करेंगे। इसके बाद मैं बताना चाहता हूँ आपको कि जो मैथ है सिपाही भर्ती परीक्षा में, वो आपको सबको बताया विजार्ड जो है मैथ के अम्बू सर के द्वारा पूरी की पूरी मैथ कंप्लीट कराई जा रही है। एक एक चैप्टर में पूरे के पूरे 150-200 प्रश्नों का कलेक्शन किया जा रहा है। और फिर आपको सबको पता होगा आपकी प्यारी मैम और आपकी मार्गदर्शक निधि मैम जो आपको एमपीजीके पूरा कवर करा रही हैं। और उसके बाद जो है ये आपको अनिकेत सर दिख रहे होंगे जो बहुत ही हसमुख प्रवृत्ति के हैं और ये आपको रीजनिंग पढ़ाएंगे। ठीक है, और मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पर एक नई फैकल्टी हमारे साथ है, वो है हिस्ट्री के लिए आए हैं, वो एशियन मेडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री आपको कवर कराने वाले। तो साथियों देर किसी बात का नहीं है, आपको बस क्या करना है स्टडी पाई ऐप को डाउनलोड करना है और स्टडी पाई ऐप में आपको जाके महापराक्रम बैच, पराक्रम बैच और वहीं पे रैंकर बैच, संकल्प बैच, किसी बैच से जुड़ सकते हो, बहुत ही अच्छी तैयारी कर सकते हो। चलिए क्लास को शुरू करते हैं, समय हो गया है पढ़ने का। ठीक है, जियोग्राफी आज का टर्न है और आपको पता है मैंने बताया था शुरुआत में करूंगा इंडियन जियोग्राफी से, जहां पे क्लासेस शुरू होंगी वो इंट्रोडक्शन से शुरू होंगी और बहुत ही प्यारा टॉपिक है। अगर आज की कक्षा आपने मिस कर दी तो समझो जियोग्राफी का ABCD आपने मिस कर दिया। अगर आपको ABCD सीखना है भूगोल का, वो आप हमारे साथ आज पूरा का पूरा टाइम अपना देना क्योंकि बहुत जरूरी है टाइम देना। ठीक है, तो सभी साथियों को एक बार फिर से मैं अमित, आलोक, कैलाश, रामविलास, सुरभि, निशा, योगेश, सविता, रोशनी, प्रेम, भागीरथ, गजेंद्र, सरोज, बीटू, संध्या, रचना, निखिल, सही बच्चों को बहुत सारा प्यार, गुड इवनिंग। ठीक है, जल्दी से जुड़ जाएं सभी साथी, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। चलिए यहाँ पे नीरज, अभिषेक, प्रवीण, सुप्रिया, करण, नरेंद्र, ऋतिक, अंकित, राज, रिंकी, सही बच्चों को गुड इवनिंग, बहुत सारा प्यार। ठीक है, शुरुआत करते हैं जियोग्राफी की कक्षा में। तो जियोग्राफी की कक्षा में मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। एक प्रकार से आपको पता होगा जियोग्राफी का अगर मैं इसको डिवाइड करूँ ना तो दो भागों में टूटती है, क्या? जियो प्लस ग्राफी, जियो प्लस ग्राफी, जिसमें आपको पता होगा जियो प्लस ग्राफी, हमने कल भी बताया था आपको यहाँ पे ग्राफिक्स आपको तैयार करने बहुत जरूरी। अगर मान लीजिए आपको भूगोल तैयार करनी है तो आपके मैपिंग अच्छी होनी चाहिए, ग्राफिक्स में पूरा का पूरा काम होगा। जियो का मतलब क्या हो जाएगा? भूगोल। और ग्राफी का एक प्रकार से आप क्या कह सकते हो? वर्णन। तो भूगोल का वर्णन, पूरी पृथ्वी का जो वर्णन है उसी में मिलेगा, मतलब भूगोल में मिलेगा आप एक प्रकार से कह सकते हो। ठीक है, यहां पर एक प्रकार से ये थोड़ा सा टर्म यहां पर मैं हटाऊंगा, यहां पर पृथ्वी कर लीजिए, पृथ्वी का वर्णन। ठीक है, और इसके जियोग्राफी के जो जनक माने जाते हैं वो किसको माना जाता है? वो माना जाता है इरेटोस्थनीज को, इरेटोस्थनीज को।
ठीक है। इरेटोस्तनीस को क्या माना जाता है? जियोग्राफी का जनक माना जाता है। अब शुरुआत करते हैं इंडियन जियोग्राफी से। तो इंडियन जियोग्राफी में सबसे पहला जो आज का टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में आपको क्या पढ़ना है तो समझिएगा बात को बहुत ध्यान से। इंट्रोडक्शन में आज को हम लोग क्या जानेंगे बहुत अच्छे से, वो जानेंगे आकार, जो टॉपिक का नाम है आकार एवं स्थिति। आकार एवं स्थिति कहना यह चाहता हूं कि साइज एवं लोकेशन, जो चैप्टर का नाम है वो हमारा भारत के भूगोल में साइज एंड लोकेशन है, जो इंट्रोडक्शन पूरा का पूरा यहां पे कवर करने वाले हैं। सबसे पहले तो मैं बात करता हूं यहां पे भारत की स्थिति देखते हैं कहां पर क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको बहुत सारी चीजें बताने वाला हूं तो आप बहुत ध्यान से समझिएगा, ठीक है। मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, बस केवल पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करूंगा पूरा का पूरा। सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज है कि भारत की स्थिति क्या है, तो स्थिति जानने से पहले मैं पृथ्वी के बारे में थोड़ा सा बात बता दूं बहुत अच्छे से। आपको पता है पृथ्वी की आकृति कैसी है? पृथ्वी की आकृति गोल है, सबको पता है। और किस इसका आकार क्या है? इसका आकार जो है पृथ्वी का वो किस प्रकार का है? जियोड टाइप का है, मतलब अंडाकार, मतलब अंडाकार, ठीक है। पृथ्वी का जो आकार है वो जियोड टाइप का मतलब अंडाकार है। बहुत प्यार समझिएगा, बहुत मजा आने वाला है, ठीक है। कुमार हरित, ये वर्ल्ड ज्योग्राफी नहीं इंडियन ज्योग्राफी, बेटा बहुत ध्यान समझिएगा। करण गुड इवनिंग, सुप्रिया, ये क्लास बीपीएससी के लिए बिल्कुल सभी एग्जाम के लिए आप पढ़ते चलो, मजा आ जाएगा। पूरी क्लास अटेंड कर लेना फिर बताना आप मजा आया कि नहीं आया, ठीक। तो बात समझते चलना, अगर समझोगे नहीं तो मजा नहीं आने वाला है, ठीक है। तो बात समझते चलना, तो पृथ्वी की आकृति जियोड है, अंडाकार है, ये आपको अच्छे से पता है, ठीक है। इसमें आपको पता है जब आप मैप देखते हो, ग्लोब देखते हो कहीं पर, तो क्या होता है ना, दो प्रकार की रेखाएं खींची होती है, दो प्रकार की रेखाएं खींची होती है। एक रेखा आपकी हॉरिजॉन्टल खींची होती है और वर्टिकल खींची होती है, मतलब ये क्षैतिज रेखाएं हैं। ये कौन सी रेखाएं हैं? सारी की सारी क्षैतिज रेखाएं हैं। देखो स्थिति जानने से पहले इनको समझोगे, स्थिति जानने से पहले दो टॉपिक आप अच्छे समझोगे, वरना आप प्रश्न को नहीं कर पाओगे। वो दो टॉपिक कौन कौन से? अक्षांश एवं देशांतर। अक्षांश एवं देशांतर को आप समझोगे वरना आप नहीं समझ पाओगे, क्योंकि आपको मैं बताऊंगा जब भारत की स्थिति कहां पर है आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। तो अक्षांश को अगर मैं इंग्लिश में बात करूं तो क्या बोलते हैं? लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड को हमें समझना है पहले से। तो जो पृथ्वी पे एक प्रकार से क्षैतिज रेखाएं हैं, इनको हम लोग किस नाम से जानते हैं? इनको हम लोग क्या कहते हैं? अक्षांश रेखाएं। और अक्षांश रेखाएं मतलब लैटिट्यूड जो लाइन्स हैं वो पृथ्वी पर कौन सी दिशा में खींची होंगी? तो चार दिशा तो आपको पता ही है कौन कौन सी होती मेन, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। तो जो अक्षांश रेखाएं हैं वो क्या करती हैं, वो जो खींची जाती हैं वो किधर से किधर खींची जाती हैं आपको बहुत अच्छे से पता है। आपको पता है पूरब से पश्चिम जो रेखाएं एक प्रकार से जोड़ती हैं वो पूरब से पश्चिम खींचे जाने वाली काल्पनिक रेखाओं को क्या बोलते हैं हम लोग? अक्षांश। सबसे पहला पॉइंट अक्षांश में आप क्या सीख गए? ये रेखाएं पूर्व से पश्चिम खींची जाती हैं, पूर्व से पश्चिम की ओर खींच जाती है, पश्चिम से पूरब, आप कुछ भी यहां पे लिख सकते हो। सब बच्चे कमेंट करेंगे मजा आ रहा कि नहीं आ रहा, तो क्यों देखो लोकेशन पढ़नी है मैं भारत, ठीक है। कुमार हरित कह रहे हैं सर आपकी राइटिंग बहुत अच्छी है, थैंक यू बेटा, आप बस पढ़ते रहिए बहुत मजा आने वाला है, ये मान लीजिएगा, विश्वास मानिए आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है, याद रखिएगा। और ये रेखाएं जो होती है, जैसे मान लीजिए पृथ्वी का कोई केंद्र है, ये एक तो पॉइंट आपको याद हो गया अक्षांश रेखाएं, पश्चिम से पूरब आप कह सकते हो, पूरब से पश्चिम कह सकते हो। और ये जो रेखाएं हैं पृथ्वी के केंद्र से, पृथ्वी के केंद्र से, पृथ्वी के केंद्र से खींची गई कोणीय दूरी पर रेखाएं होती हैं। कोणीय दूरी पर खींची गई रेखाएं कौन सी होती हैं? अक्षांश। पृथ्वी के केंद्र से जो खींची जाती हैं वो क्या होती है? कोणीय दूरी वाली होती है, एंगुलर डिस्टेंस। क्लियर है बात? इतनी बात अच्छे समझ में आ गई नहीं आ गई? तो बात समझते चलो। तो इस प्रकार की अक्षांश रेखाएं खींची हुई हैं,
अब यहां पे आगे बात समझो, ये यहां पे पूरा नीचे तक है, पूरा यहां पर ये नीचे तक है, ठीक है। अब बात समझते चलना, तो आपको पता चल गया जो पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब कौन सी रेखाएं होती हैं, वो रेखाएं होती हैं अक्षांश रेखाएं, मतलब जिनको लोग कहते हैं लैटिट्यूड रेखा, ठीक है। अब यहीं पे बात समझो बहुत ध्यान से बच्चों, अक्षांश रेखाएं में जो एक मेन सबसे इंपॉर्टेंट रेखा कौन कौन सी है वो भी देख लेते हैं हम लोग अच्छे से। तो देखो ये जो रेखा आपको दिख रही है पृथ्वी के बीच से गुजरने वाली रेखा जो है, या पृथ्वी के पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटने वाली रेखा, इस रेखा का नाम है क्या, जीरो डिग्री अक्षांश। क्या नाम है, जीरो डिग्री अक्षांश। और जीरो डिग्री अक्षांश रेखा को हम लोग क्या कहते हैं, तो समझते चलना, इसको कहते हैं भूमध्य रेखा भी कहते हैं। भूमध्य का मतलब क्या होता है, भूमध्य का मतलब होता है भू मतलब पृथ्वी, मध्य पृथ्वी के बीच से गुजरने वाली, ठीक है। पृथ्वी को पृथ्वी के बीच से गुजरने वाली, सिंपल सी बात, जब कोई चीज बीच से जाएगी तो दो बराबर भागों में वो बट जाएगी, तो इसको हम लोग भूमध्य रेखा भी कहते हैं, इसी को हम लोग विषुवत रेखा भी कहते हैं, विषुवत रेखा। और इसी को इंग्लिश में बात करें तो इसको हम लोग इक्वेटर बोलते हैं, इक्वेटर, ठीक है। और यही भूमध्य रेखा पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांट देती है, ये कौन सा भाग हो जाता है, उत्तरी गोलार्ध, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर, जिसको हम लोग क्या नाम देते हैं, उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध। और ये वाला कौन सा गोलार्ध कहलाएगा, दक्षिणी गोलार्ध। अब सबसे बड़ी बात, ये रेखाएं तो खींची जा रही, ये रेखाएं पता क्या करती हैं, ये रेखाएं हमें अक्षांश रेखाओं की वजह से हमें क्या पता चलता है, लोकेशन पता चलती है और डायरेक्शन पता चलती है। लोकेशन मतलब स्थिति पता चलती है कि कौन सी चीज कहां पर स्थित है, मतलब कौन सा देश कहां स्थित है, और दिशा भी पता चलती है, ठीक है। अगर यही अक्षांश रेखाएं का यूज प्राचीन सभ्यता में किया गया होता तो सिंधु घाटी सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, ये सारी सभ्यताएं कितनी विकसित होती, बहुत सारी विकसित होती, जहां पर बहुत सारी चीजें डेवलपमेंट नहीं हो पाई। तो अगर आपको पता चल जाए कि एग्जैक्ट ये चीज यहाँ पे लोकेट है, यहाँ पे है, इसको ये विकास करना है, इसके विकास की वजह से चौतरफा एक प्रकार से रौनक बढ़ जाएगी, तभी तो आप पता वहां पर तभी तो जाके विकास करोगे, वरना पृथ्वी को बहुत सारी बड़ी है, कहाँ कहाँ दौड़ते दौड़ते फिरोगे और कहाँ कहाँ नापते फिरोगे आप, पॉसिबल ही नहीं है। आप नापते फिरते रहोगे, हो ही नहीं पाएगा, पॉसिबल ही नहीं है, पृथ्वी तो बहुत बड़ी है ना। लेकिन अक्षांश रेखाओं की वजह से लोकेशन भी, मतलब एक प्रकार से आप स्थिति, और डायरेक्शन मतलब दिशा, अक्षांश रेखाओं की वजह से पता चल गया, उसकी वजह से आपको पता है विकास संभव हो सका। तो सारी चीजें एक दूसरे से कोरिलेट होनी है, क्लियर बात। चलिए बहुत बढ़िया, समझ में आ रहा नहीं, मजा आना चाहिए, फटाफट अगर समझ में आ रहा फटाफट एक बार साथियों लाइक कर दो और फैला दो। हाँ परवेज जी, ये जेल वार्डन के भी है, सब के लिए है, ठीक है। हर्षित जी कह रहे हैं अक्षांश रेखाएं कितनी थी, बस धैर्य बनाए रखो। अब आपको हमने इतना बता दिया, ये जो होते हैं जो अंतिम बिंदु होते हैं इनको क्या कहते हैं, तो आप याद रखिएगा, इसको हम लोग बोलते हैं साउथ पोल, मतलब ये ध्रुव होते हैं, ये ध्रुव होते हैं, इसको क्या कहते हैं दक्षिणी ध्रुव, इसको क्या कहते हैं उत्तरी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, क्लियर है बात। मतलब नॉर्थ पोल, मतलब साउथ पोल, क्लियर, इतनी चीज क्लियर है ना अच्छे से। अब यहां पे बहुत अच्छे प्रश्न आते हैं कि बच्चा पूछ भी रहा है हर्ष जी कि सर अक्षांश रे, अब यहीं पे मैं बात करता हूं, जो बच्चा प्रश्न पूछा था कि कुल अक्षांश कितने हैं और कुल अक्षांश रेखाएं कितनी हैं, दोनों प्रश्न अंतर है बेटा, दोनों प्रश्नों में अंतर है, याद रखिएगा। और बहुत प्यारा प्रश्न है, आप ये मान लो हमसे ज्योग्राफी आप पढ़ रहे हो ना, बारीकियां आप अपनी मजबूत कर लोगे आज ही,
पेपर में बहुत डाउट है कि सर 180 है, 179 है कि 181 है, आज के बाद जीवन में आप डाउट नहीं होना आपको, ठीक है। विवेकानंद जी कह रहे हैं नाइस लुकिंग, अच्छा चलिए कोई बात नहीं, हमारा इंतजार था, राधे राधे सभी बच्चों को, बस समझिएगा। शुभम जी कह रहे हैं सर अपना नंबर दीजिएगा, नंबर दूंगा बेटा, परेशान मत हो। पहले बात समझो, कुल अक्षांश रेखाएं कितनी हैं और कुल अक्षांश रेखाएं कितनी है? तो बात समझो, हेमिस्फीयर का मतलब गोलार्ध, गोला जो है उसका भाग आधा हो गया, उसका भाग आधा हो गया। और सबको पता है 180 यहां पे गोले में क्या होता है, 180 डिग्री होते पूरे, ठीक है। अगर ऊपर से नीचे तक देखें कितने हो जाएंगे, 180 डिग्री। इसी तरह ये खाने जैसे भरते चले जाएंगे, यहां तक पहुंचेंगे, तो यहां तक जब पहुंचेंगे तो ये 90 रेखाएं, मतलब इस विषुवत रेखा के ऊपर कितनी रेखाएं खींची होंगी, इस विषुवत रेखाएं के ऊपर 90 रेखाएं ऊपर खींची होंगी और नीचे भी 90 रेखाएं खींची होंगी, और एक रेखा कौन सी हो गई, विषुवत हो गई, ठीक। टोटल कितनी हो गई, 181। प्रश्न आ गया कि कुल अक्षांश कितने, 181। अक्षांश रेखाएं किस कितनी, तो बेटा जो अंतिम यहां पे बिंदु होगा वो भी 90-90 में काउंट हो गया था, इसको छोड़कर, क्लियर है बात। लेकिन जब अक्षांश रेखाएं पूछेंगे, क्योंकि ध्रुव तो अपनी जगह स्थिर रहेंगे, वहां पे आप लाइन खींचो या ना खींचो, लाइन खींचने की तो आवश्यकता पड़ेगी नहीं, क्लियर है बात, लाइन खींचने की तो आवश्यकता पड़ेगी नहीं। हम एक कोना पकड़ के बिल्कुल खड़े हैं और एक कोना वो पकड़ के मेरा साथी खड़ा हुआ है, जो लाइनें खींचेंगी बीच में तो खींचेंगी, तो रेखाएं, कुल अक्षांश रेखाएं की बात आएगी तो जो दोनों जो ध्रुव है ना उनको हम छोड़ देंगे। कहने का मतलब है टोटल कितनी है, 181 थी, 181 में दोनों ध्रुवों को अगर आप हटा दो तो टोटल कितने बचेंगे, 179। तो जब प्रश्न आया कुल अक्षांश रेखाएं कितनी हैं, तो 179 है, और जब कुल अक्षांश कितने हैं, 181 है, पहले तो ये डाउट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, फटाफट कमेंट करके बता दो ये डाउट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, कि बेटा जब कुल अक्षांश की बात आ रही है तो 181 और कुल अक्षांश रेखाओं की बात आ रही है तो 179। जल्दी से बताओ, फटाफट जल्दी से बताओ, कितने लोगों को समझ में आ गया। राजीव मीना क्या हुआ सर जी, तो रिप्लाई करो कब आएगी निधि मैम की क्लास। बेटा निधि मैम भी बहुत जल्द आपको क्लास देंगे, ठीक है। जल्दी से बताइए कितने बच्चों को समझ में आ गया, जल्दी से बताइए फटाफट। रितेश सावले बिल्कुल करेक्ट है आपको बेटा, बहुत बढ़िया। प्रवेश गौरव क्या बात है, क्या बात है गौरव जी, बेटा 360 नहीं 360 देशांतर पहुंच रहे आप, अक्षांश में रहिए अभी। महिमा जी को आ गया, बहुत बढ़िया। परवेज जी यूपी एसआई के लिए क्लासेज है, बिल्कुल परेशान मत हो, फटाफट वीडियो को लाइक कर देना सभी लोग। चलिए महेंद्र राम मजा आ गया, भोले कच्ची हो गया सर, आ गया। चलिए आगे बढ़ते, आगे बात बढ़े। अब बात समझो बहुत ध्यान से, जैसे मान लीजिए दो अक्षांश रेखाएं खींच दी गई, एक रेखा ये खींच दी गई, एक रेखा ये खींच दी गई, दो अक्षांशों के बीच में दूरी कितनी है, दो अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी है, तो बहुत ध्यान समझिएगा, दो अक्षांश के बीच की दूरी, टोटल दूरी कितनी है दो अक्षांश के बीच में, तो आपको पता होना चाहिए 111 किलोमीटर, मतलब 111 किलोमीटर, 111 किलोमीटर दो अक्षांशों के बीच की दूरी है। यही प्रश्न आ रहा है कि दो अक्षांशों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, डिस्टेंस बिटवीन टू लैटिट्यूड क्या, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा उसको हम लोग कहते हैं जोन, और जोन को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, कटिबंध। तभी आप लोग पढ़ोगे उष्ण कटिबंध, शीत कटिबंध, सारे कटिबंध आपको यहीं पढ़ने में मिलेंगे। दो अक्षांशों के बीच की दूरी होती है 111 किलोमीटर, और दो अक्षांशों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, जोन कहते हैं, मतलब कटिबंध कहते हैं। फटाफट कमेंट करके बताओ मजा आ रहा कि नहीं आ रहा, जल्दी से कमेंट करके बता दो। परवेज जी उत्तर प्रदेश की भी करवा दें, बिल्कुल करवा दूंगा, मजे आप समझो, ठीक है। गौरव जी कह रहे हैं बेस्ट कॉन्सेप्ट, आप समझते रहो। सचिन जी आप SSC तैयारी बहुत बढ़िया। चलिए अखिलेश जी कह रहे हैं सर आप बहुत अच्छा पढ़ा रहे, बेटा समझते चलो। अब फटाफट इसका स्क्रीनशॉट आप लोग लो, फिर फटाक से मैं आगे बढ़ता हूं। देखिए जल्दी से अगर आप लोगों को मजा आ रहा हो ना सच में, शेयर कर देना भाई, शेयर कर देना, और सभी को बता दो कि आग लगने वाली है जियोग्राफी की क्लास में, मान लीजिएगा। जल्दी से आप लोग फटाफट शेयर कर दो, देखते कितने बच्चे शेयर करते हैं, और जिन बच्चों ने भी लाइक नहीं किया वो लाइक भी कर दें,
क्योंकि देखो आपके लाइक पे ही डिपेंड होगा मेरा क्या, मेरा जो मोटिवेशनल है आपके लाइक पे ही डिपेंड होगा। और अपना अब अगर आप लाइक नहीं देंगे तो मान लीजिए आप हमें कुछ नहीं दे रहे हैं, ठीक है, जल्दी से फटाफट शेयर कर दो, फिर आगे बढ़े हम बहुत अच्छे से। बहुत प्यारा पढ़ाना है, बहुत मजा आने वाली है, ठीक है। चलिए इतनी बात उम्मीद करते समझ में आ गए, स्क्रीनशॉट भी आप लोगों ने ले लिया, बहुत बढ़िया। सौम्या चौहान कह रही है अमेजिंग सर जी, थैंक यू बेटा। चलिए मनीष आ गया, संध्या आ रहा है, बहुत बढ़िया बेटा। चलिए आगे बात करें, आगे बात करें, समझते चलो। आगे बात करता हूं मैं, देखो एक मेन रेखा आपने सीख ली, भूमध्य रेखा जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, इक्वेटर, मतलब इक्वेटर का मतलब जीरो डिग्री अक्षांश, जीरो डिग्री अक्षांश इक्वेटर को कहते हैं, मतलब भूमध्य, ठीक। तो इतना बार बार तो बताऊंगा नहीं क्योंकि आपको रट गया। अब ये भी बात समझो बहुत अच्छे से, भूमध्य रेखा जो होता है ना, भूमध्य रेखा की क्वालिटी में बता दूं यहां पर क्यों क्या चीजें पाई जाती हैं। तो एक प्रश्न आपको यहां से याद रखना है, क्या यहां पे प्रतिदिन वर्षा होती है, कहने का मतलब है पेपर में प्रश्न आएगा कि डेली रेनफॉल कहां पर होती है, डेली रेनफॉल कहां पर होती है। तो पहला प्रश्न आपको याद रखना है कि भूमध्य रेखा पर सबसे मतलब प्रतिदिन वर्षा होती है, प्रतिदिन वर्षा कहां पर होती है, तो आपको याद रखना है भूमध्य रेखा। दूसरा पॉइंट आपका जो बढ़िया आएगा प्रश्न वो क्या आएगा, ठीक है, दूसरा प्रश्न जो आपका आना है, एक सेकंड थोड़ा सा सोच रहा हूं मार्कर बदल लूं मैं, चलिए ब्लू भी अच्छा से दिखेगा। तो डेली वर्षा कहां पर होती है, वो होती है भूमध्य रेखा पर। अब बात समझो बहुत ध्यान से, सूर्य की किरणें सीधी कहां पड़ती हैं, सूर्य की किरणें सीधी कहां पड़ती हैं, सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं कहां पर, भूमध्य रेखा पर, यह भी याद रखिएगा। अब बहुत ध्यान समझो, सिंपल सी बात, जब सीधी किरणें पड़ रही हैं तो मतलब लंबवत पड़ रही हैं, मतलब लंबवत पड़ रही हैं, क्लियर है बात। और लंबवत किरणें अगर पड़ रही हैं सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर, तो दो चीजें यहां पर होती है, क्या वो विशेषता है, तो बहुत ध्यान समझना, ठीक है, बहुत ध्यान समझना, बहुत अच्छे से। सही बच्चों को समझ में आ रहा है ना, सालिक राम बहुत बढ़िया, आप लेट हो गए कोई बात नहीं, समझते चलो। ज्ञान सागर मस्त क्लास, चलिए ज्ञान सागर एकेडमी कह रहे हैं मस्त क्लास। भरत जी गुड इवनिंग, बहुत बढ़िया। मालती पाल बहुत बढ़िया, समीक्षा क्या बात है। आप लोगों का प्यार ज्यादा से ज्यादा साथियों को शेयर कर दो भाई, मजा आ जाएगा। प्रवेश सचिन गणित आदर्श सब मजा आ जाएगा, गारंटी में बता रहा हूं, अगर आप लोग इसी तरह प्यार देते रहे तो, ठीक है, अगर इसी तरह प्यार देते रहे ना तो मजा आ जाएगा। चलिए सूर्य की किरणें यहां पर क्या पड़ती हैं, लंबवत, सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं, और लंबवत कितनी बार पड़ती हैं तो यह भी याद रखिएगा, दो बार। कौन कौन दिन, कौन कौन दिन, एक है भैया क्या 21 मार्च और एक है 23 सितंबर, 21 मार्च और 23 सितंबर। जब मैं आपको पृथ्वी की गतियां पढ़ाऊंगा ना, वहां पर बहुत अच्छे से और समझ में आएगा, 21 मार्च और 23 सितंबर, ठीक। अब 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें यहां पर, मतलब इस तारीख को पूरी की पूरी लंबवत पड़ती हैं दो बार, और इस तो हम लोग क्या बोलते हैं 21 मार्च को, इसीलिए क्या बोला जाता है, बसंत विषु के नाम से जानते हैं। बसंत विषु किसको बोलते हैं, 21 मार्च को, और 23 सितंबर को क्या बोलते हैं, 23 सितंबर को हम लोग बोलते हैं शरद विषु, शरद विषु, ठीक। विषु का मतलब यहां पर क्या होता है, इक्विनॉक्स। विषु को अगर हम क्या कहें यहां पर, विषु क्योंकि पेपर में आया है, विषु का अर्थ क्या है पेपर में आ चुका है दो तीन बार, तो इक्विनॉक्स, ठीक, विषु का मतलब भी पूछा गया। और जब सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं तो उसका मतलब समझो बहुत प्यार से बालक, जैसे मान लीजिए ये सन है, ये सन है और ये पृथ्वी है, ठीक,
और जब सूर्य की किरणें लंबवत पड़ेंगी तो आधे हिस्से में प्रकाश जाके सीधा पड़ेगा और आधे हिस्से में पूरा का पूरा अंधेरा रहेगा। कहने मतलब मान लो ये हिस्सा है, ये हिस्सा क्या हो गया, ये हिस्सा पूरा का पूरा क्या है, लाइट यहां पड़ रहा है, पड़ रही है, ये सूर्य की किरणें पड़ रही है, ये सन है आपका और ये पृथ्वी है, और पृथ्वी के इस हिस्से में जब लंबवत सीधी पड़ रही है, तिरछी नहीं पड़ रही है, सीधी, तो सिंपल सी बात है एक गोलार्ध पूरा का पूरा वो क्या कर लेंगे, कवर कर लेंगी। और जब कवर कर लेंगी तो आपको पता है 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे मतलब क्या हो जाएगा, 12 12 में डिवाइड हो जाएगा, मतलब 12 घंटे प्रकाश रहेगा, 12 घंटे अंधेरा रहेगा, एक गोलार्ध पे पूरा का पूरा 12 घंटे अंधेरा, एक गोलार्ध पे पूरा का पूरा 12 घंटे प्रकाश। तो सिंपल सी बात यही जो दो तारीख है, सूर्य की किरणें लंबवत पड़ने के कारण इन दो तारीख में दिन और रात क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और विषु को हम लोग क्या बोलते हैं, तो विषु का मतलब ये होता है कि जहां पर दिन और जब दिन और रात बराबर होते हैं, या जहां पर दिन और रात बराबर होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, विषु के नाम से जानते हैं। विषु किसको कहते हैं, जब दिन और रात बराबर होते हैं, मतलब डे और नाइट क्या होते हैं, बराबर होते हैं। डे कितने घंटे का होगा, 12 घंटे का होगा, और नाइट भी कितने घंटे की होगी, 12 घंटे की होगी। उम्मीद करते समझ में आ गया होगा। और ये दो तारीख आपको कौन कौन सी मिलेंगी, 21 मार्च, 23 सितंबर, जिसको हम लोग बसंत विषु, शरद विषु के नाम से जानते हैं। और बसंत विषु को आप बोल सकते हो क्या, स्प्रिंग इक्विनॉक्स, और शरद विषु को आप क्या बोल सकते हो, ऑटम इक्विनॉक्स। क्लियर है बात, उम्मीद करते मजा आया होगा, समझ में आओगा। अगर सच में समझ में आओ आग लगा के शेयर कर दो, मजा आ जाएगा। टेकचंद जी कह रहे हैं सर बहुत ही अच्छा समझा रहे हो सर जी, भाई लोग सभी लाइक और शेयर कर दीजिए यार, इतना अच्छा पढ़ा रहे हैं, थैंक यू बेटा। चलिए बहुत बढ़िया, तो आप आपको पता चल गया, अब आपको बहुत बड़ी चीज पता चल गई कि कितनी तारीख को दिन और रात बराबर होते, 21 मार्च को और 23 सितंबर को। और ये चीज मैंने निकाली कहां से, इक्वेटर से निकाली, क्योंकि इक्वेटर का कॉन्सेप्ट था, ठीक है। चलिए इक्वेटर का कॉन्सेप्ट था, याद रखिएगा। चलिए बहुत बढ़िया बेटा, हरित जी कह रहे सर अपने तो आग लगा दी बेटा, अभी तो आग पूरी पूरी लगनी है, आप पढ़ते चलो फटाफट बताओ, कमेंट करते कितने लोगों को समझ में आ गया। रूप सिंह आपको आ गया, बहुत बढ़िया। संध्या आपको भी आ गया, बहुत बढ़िया बेटा, क्या बात है। लाइक कर दो फटाफट, लाइक कर दो, शेयर कर दो वीडियो को, मजा आ जाएगा, गारंटी मैं बता रहा हूं, पूरी की पूरी जियोग्राफी का मास्टर बनाकर छोड़ूंगा, आप पढ़ा तक कर सकते हैं यहां पर, ठीक है। सबको पता है भारत विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है, और भारत को मैं ऐसा पढ़ाऊंगा ना, आप खुद सोचोगे कि हाँ मैं भारत को बहुत अच्छे से अपने अंडर में कर लियो, मतलब सारे प्रश्न आपसे बाहर से नहीं पूछेंगे, आपके दिमाग से आएंगे, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया बेटा। शुभम जी, अच्छा शुभम जी नंबर पूछ रहे हैं। शुभम जी जब मैंने क्लास चालू की थी तो वहां पर हेल्पलाइन नंबर था, वहां पर आप नंबर देख सकते हैं, ठीक है, वो इंस्टीट्यूट का नंबर आपको मिल जाएगा। चलिए बहुत बच्चों को समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। अनिल जी को आ गया, क्या बात है। सचिन जी गुड क्लास, बहुत बढ़िया। अच्छा साइड हो जाए, सुप्रिया जी कह रहे हैं साइड हो जाइए, चलिए मैं साइड हो रहा हूँ। हरि जी कह रहे हैं रिपीट कर दीजिए, बेटा एक बार थोड़ा सा वीडियो को रिमाइंड करके आप देखो जाके, सारी चीजें आपको दिमाग में बैठ जाएंगी। और इसको केवल एक बार क्या करो, स्क्रीनशॉट आप ले लो, फिर मैं आगे बात करूं। आपको पता होना चाहिए सूर्य की किरणें लंबवत भूमध्य रेखा पर कितनी बार पड़ती है, दो बार पड़ती है। एक बार पड़ती है कब, 21 मार्च को, और एक बार पड़ती है कब, 23 सितंबर को पड़ती है। और 21 मार्च को हम लोग क्या बोलते हैं, बसंत विषु, 23 सितंबर शरद विषु। और विषु का मतलब होता है जब दिन और रात बराबर होते हैं, ठीक है। चलिए बहुत प्यारा, आप लोगों का इसी तरह प्यार मिलता रहा तो कसम से मजा आ जाएगा, ठीक है। चलिए चलिए पीके एजुकेशनल, क्या आपका बेटा प्रश्न है, पूछते चलो जो जो प्रश्न, कोई दिक्कत हो। हाँ दीपक जी, एमपीपीएससी मेंस, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। चलिए स्वाति जी आपने लाइक शेयर कर दिया, बहुत बढ़िया, बहुत प्यारा बेटा, थैंक यू सो मच, ठीक है। चलिए आगे बढ़ू, आगे बढ़ू, जल्दी से कमेंट करके बताओ, जल्दी से कमेंट करके बताओ आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं ना, चलिए सबको आ गया, आगे बढ़ते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई, तो आपको एक भूमध्य रेखा के बारे में अच्छे से नॉलेज हो गया। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, अक्षांश ही पढ़ रहे हैं, अक्षांश ही पढ़ रहे हैं, ठीक है, समझते चलो। सूर्य की किरणें हमने भूमध्य रेखा पर सीधी पड़ा दी। अब यहां बात समझना बहुत ध्यान से, क्या समझोगे, जिस प्रकार ये भूमध्य रेखा है 0 डिग्री, 0 डिग्री के ऊपर बढ़ेंगे हम,
एक डिग्री, दो डिग्री, तीन डिग्री, चार डिग्री, पांच डिग्री, छह डिग्री, उसी प्रकार यहां पर एक रेखा मिल जाएगी क्या, उसका नाम है 23.5 डिग्री। और इसी प्रकार नीचे भी आएंगे हम लोग, यहां पर भी क्या, सिंपल सी बात, चाहे नीचे है चाहे ऊपर, नंबर तो चालू करेंगे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 23.5 डिग्री नीचे। इस 23.5 डिग्री को हम लोग किस नाम से जानेंगे, 23.5 डिग्री नॉर्थ मतलब उत्तरी, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में। इस 23.5 डिग्री को हम लोग किस नाम से जानेंगे, साउथ मतलब दक्षिणी। और आपको पता होना चाहिए जिस प्रकार भूमध्य रेखा का अक्षांशी विस्तार 0 डिग्री अक्षांश को कहा जाता है, उसी प्रकार 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो उसको हम लोग जानते हैं क्या, कर्क रेखा के नाम से। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा। तीन रेखाएं आपको याद हो गई, अक्षांशी विस्तार भी रट गया, भूमध्य रेखा का 0 डिग्री, कर्क रेखा का 23.5 डिग्री उत्तरी, और ये वाली रेखा आपको पता होना चाहिए, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, मकर रेखा। अब मकर रेखा मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैपिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैपिकॉर्न। ठीक, इसको बोलते हैं मकर रेखा। तो पहले बताओ, इतनी बात समझ नहीं, अभी देखो मैंने लंबवत सूर्य की किरण कहां पे गिराई, भूमध्य रेखा पे। अभी तो मुझे कर्क रेखा पर एक टाइम तो ऐसा आएगा कि इस पे भी लंबवत पड़ेंगे, एक टाइम ऐसा आएगा इस पे भी लंबवत पड़ेंगी सूर्य की किरणें। क्लियर है ना बात, सब लोग समझते चलना तभी तो मजा आएगा, सब लोग समझते चलना तभी मजा आएगा, नहीं मजा नहीं आएगा भाई। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, सचिन जी कह रहे हैं सुपर, बहुत बढ़िया। चलिए हाँ, हरित जी भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाएंगे, सब बताएंगे, थोड़ा सा वही होता ना, इंतजार का फल क्या होता है, मीठा होता कि खट्टा होता, मीठा होता है। तो थोड़ा सा आप भी समय वही वाला हाल है ना, वेट एंड वॉच, इंतजार करो और देखो, जब मैं ना बताऊं तब आपकी तरफ से प्रश्नों की बौछार आ जाए, जिससे मैं उन बौछारों के सामने क्या हो, दब जाऊं। ठीक है, लेकिन मैं जब तक आपको, मैं खुद, मैं आपको यहाँ पे एक अध्यापक की तरह तो आपको पढ़ा ही रहा हूं, साथ में मैं पढ़ाते समय एक स्टूडेंट का माइंड रखता हूं अपने मन में, कि स्टूडेंट अपने मन में क्या सोच रहा है, उसको क्या प्रश्न चाहिए। ठीक है, चलिए सालिक राम जी, स्क्रीनशॉट लेने तो दे रहा हूं मैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए चलिए, इतनी बात समझ में आ गई, 23.5 डिग्री कर्क रेखा उत्तरी, 23.5 डिग्री साउथ मकर रेखा। क्लियर, भूमध्य रेखा 0 डिग्री को, क्लियर हो गई बात। अब बात समझो बहुत ध्यान से, जब सूर्य की किरणें, जब सूर्य की किरणें, ये सन है और सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर लंबवत पड़ेंगी, तब क्या होगा, आपको पता है 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होते हैं, जो बसंत विषु और शरद विषु के नाम से जानते हैं, कब, जब सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर लंबवत पड़ती है। क्लियर, जब सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर लंबवत पड़ती हैं, वो तारीख क्या होती है और उस दिन क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं, वो दिन होता है उत्तरी गोलार्ध का, उत्तरी गोलार्ध का मतलब नॉर्थन हेमिस्फीयर का सबसे बड़ा दिन। ये शायद पेन ही नहीं अच्छा लग रहा होगा आपको, उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन, उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन कब होता है, जब सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर लंबवत पड़ती है, और वो दिन तारीख कौन होगी, तो आपको पता होगा वो कब होगा, 21 जून को। क्लियर है बात, क्लियर है बात। तो आपको पता चल गया कि 21 जून को कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है। क्लियर है बात, वही हाल याद रखो मकर रेखा का, मतलब सूर्य की किरणें जब मकर रेखा पर लंबवत पड़ती है, तब क्या होता है, जब मकर रेखा पर लंबवत होती है तब क्या होता है, तो समझिए बहुत ध्यान से, तारीख होती है 22 दिसंबर। सिंपल सी बात है, कर्क रेखा स्थित है उत्तरी गोलार्ध में, तो उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन। सिंपल सी बात है, मकर रेखा स्थित है दक्षिणी गोलार्ध में, तो दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन, दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन, दक्षिणी गोलार्ध का सबसे
बड़ा दिन। भारत की स्थिति निकालने के लिए पापड़ बेलने पड़ रहे हैं हमें। अच्छांश देशांतर नहीं जानेंगे ना तो आप भारत का जो अच्छांशी विस्तार आ जाएगा ना नहीं कर पाओगे। ऊपर से हवाइयां उड़ेंगी चेहरे से कि अच्छांशी विस्तार रटे हो, केवल रटे हो 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी उत्तरी, ठीक है, रटे पड़े हो देशांतरी 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी पूर्वी। कभी आज तक पता चला पूर्वी क्यों है उत्तरी क्यों है? नहीं पता चला, अब पता चलेगा। क्यों? क्योंकि हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं ना कि ऊपर से नीचे आ रहे हैं, ठीक है। इंतजार करना, बस एक एक चीज अच्छे से समझना। तो उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन 21 जून, दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन 22 दिसंबर। क्यों? क्योंकि मकर रेखा पर सूर्य की किरणें 22 दिसंबर को लंबवत पड़ती हैं, इसीलिए दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन है मकर का। अब यही मैं प्रश्न पूछूं आपसे, दक्षिणी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन बताओ। सभी लोग आंसर दो, दक्षिणी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन, ठीक है, स्मॉलेस्ट डे ऑफ द साउथर्न हेमिस्फीयर। जल्दी से बताइए फटाफट। चलिए जल्दी से बताइए फटाफट, दक्षिणी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन बताइए। चलिए अभिषेक जी कह रहे हैं सर येलो और रेड मार्कर यूज करिए। चलिए रेड अच्छा दिखेगा, ठीक है रेड भी यूज करूंगा, ठीक है। जल्दी बताइए दक्षिणी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन, देखते हैं कितने लोग बता पाते हैं। बहुत बढ़िया प्रवीण, प्रवीण पंधारम का आंसर आ गया, बहुत बढ़िया बेटा, क्या बात है क्या बात है। मनीष, पद्मा, आरती, सूरज, बहुत बढ़िया, सौम्या चौहान, भोले, चलिए बिल्कुल करेक्ट है। देखिए उत्तरी गोलार्ध का जब सबसे बड़ा दिन 21 जून है तो दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन 22 दिसंबर है। सिंपल सी बात है, जो उत्तरी में सबसे बड़ा होगा वो दक्षिणी में सबसे छोटा होगा, और जो दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होगा वो उत्तरी में सबसे छोटा होगा। उल्टा कर लेना, तारीख वही रहेंगी, लैंग्वेज बदल जाएगी। इस दक्षिणी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन 21 जून, उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर। बिल्कुल करेक्ट बच्चे हैं 21 जून जिन्होंने आंसर दिया है, ठीक है। जितने बच्चों ने रोहित, अर्जुन, समीक्षा, सेजल, निशा, बहुत बहुत बधाई आपको कि आप लोग बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं। और यही बच्चे जो आगे जाके क्या करते हैं, एक इतिहास रचते हैं। क्यों? क्योंकि ये लोग बेसिक्स, वही होता नहीं, स्टैंडर्ड उठा रहे अपना, और स्टैंडर्ड क्या है, समझ का उठा रहे। रटोगे रटति रटता रटंत, वही वाला हाल है, रटते रहोगे रटते रहोगे रटते रहोगे लेकिन मजा नहीं आएगा, ठीक है। चलिए बहुत प्यारा अनुज, चलिए साथियों एक बार जरूरत है सर को थोड़ा सा मोटिवेट करने का, फटाफट शेयर कर दो, लाइक कर दो, आग लगा दो और फैला दो कि अब भूगोल से डर नहीं लगेगा आपको। अब भूगोल से आपको डर बिल्कुल नहीं लगना है क्योंकि मैं आपको अब भूगोल ही पढ़ा रहा हूं, ठीक है। चलिए अब हो गई अच्छांश की पूरी बात खत्म, और अच्छांश का बहुत अच्छा नॉलेज हो गया कि अच्छांश कुल अच्छांश कितने हैं 181, जिसमें हम लोग विषुवत रेखा को भी काउंट करते हैं, और कुल अच्छांश रेखाएं कितनी है 179, जिसमें हम दोनों ध्रुवों को हटा देते हैं। क्लियर है बात, क्लियर है बात। अब बात करते हैं हम लोग आगे। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत प्यारा सचिन, प्रवीण, कुमार, गरित, हरित, ठीक है, संध्या, अनुज, बहुत प्यारा बेटा। चलिए इतनी बात समझ में आ रही ना, आगे बात बेटा। लैटिट्यूड के बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर? फटाफट एक बार कमेंट करके बताओ तो लैटिट्यूड का पूरा कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बैठ गया। फिर अब बात करते हैं लॉन्गिट्यूड, मतलब देशांतर के बारे में। जल्दी बताइए लैटिट्यूड के बारे में पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना? अब बात करेंगे हम लोग किसके बारे में, लॉन्गिट्यूड मतलब देशांतर के बारे में, ठीक है। जल्दी बताइए, जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए, मजा आने वाला है बहुत प्यारा सा, और आज बहुत ही मजा आने वाला है, गारंटी मैं दे रहा हूं। लॉन्गिट्यूड के बारे में ज्यादा भी यहां पे एक्सप्लेन नहीं करूंगा, थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा फिर उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। चलिए आरती जी के लिए बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। रितेश जी सर कंट्रीज भी बता दीजिए बेटा, क्यों परेशान हो? अभी ज्योग्राफी इंडियन खोली हमने, कंट्रीज में बता दूंगा कहां कहां से कौन सी रेखा गुजरती है, वो तो महाद्वीप जब खोलेंगे तब। देखो एक सिस्टम वे में पढ़ाई करोगे तो आप हमारे साथ पढ़ पाओगे, अगर आप इधर उधर भागोगे तो अभी तक जहां इधर उधर आप भागते चले आ रहे थे फिर आप भागते रहोगे। क्यों? क्योंकि आपका मन जो है ना चंचल है, कभी मन करता है आज पहली क्लास है चलो सर के पास पढ़ लें, देखते हैं कैसा पढ़ाते हैं, या आज से बिल्कुल अच्छे से पढ़ेंगे। लेकिन सिकंदर वही है जो पहली क्लास से
पहली क्लास में उड़ान तो तेजस भरता, जोश तो लाता है, लेकिन अंत में जाके उसी जोश के साथ दम लेता है, उसी जोश के साथ आराम करता है, वही व्यक्ति जीतता है। कछुआ चलता धीरे धीरे है, लेकिन उसी गति से, उसी स्पीड से, उसी उत्साह से, उसी उमंग के साथ चलता है, याद रखिएगा, तभी वो जीतता है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लैटिट्यूड के बारे में सौम्या जी को पूरा का पूरा क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया बेटा। चलिए अब बात करते हैं हम लोग अच्छे से लॉन्गिट्यूड के बारे में। लॉन्गिट्यूड मतलब देशांतर, आपको पता है लैटिट्यूड जो है वो लोकेशन और डायरेक्शन के लिए काम आती है। पता चल जाएगा कि डायरेक्शन क्या है और लोकेशन क्या है, ठीक है। लेकिन देशांतर किस लिए काम आएगी? तो देशांतर आएंगी टाइम निकालने के लिए, समय निकालने के लिए। समय किससे पता चलेगा हमें? देशांतर में, तभी तो आप पता कर पाते हो। भारत में इतना बचा है तो बांग्लादेश में क्या हो रहा होगा, पाकिस्तान में क्या हो रहा होगा, लंदन में क्या हो रहा होगा, ऑस्ट्रेलिया में क्या हो रहा होगा। जब आपको देशांतर पता होगा तभी आप समय के बादशाह बन पाओगे, याद रखिएगा। महेश पटेल, स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट में देता रहूंगा, परेशान मत होना, फटाफट शेयर कर दो, एक बार लाइक कर दो, आग लगा दो मेरे साथी, मेरे प्यारे भाइयों बहनों का दिल, मजा आ जाएगी आपको ज्योग्राफी पढ़ने में। रियलिटी में बता रहा हूं, ऐसा आनंद आप कभी नहीं पढ़ोगे, ठीक है। फर्स्ट क्लास ज्योग्राफी में आपको यहां पर पढ़ाऊंगा, बिल्कुल मजा आ जाएगा। तो बात समझो बहुत ध्यान से, आपको पता है जैसे मान लीजिए कोई बॉल है, ये बॉल आपने ले ली, जैसे ये बॉल ले ली, ठीक है, बॉल ले ली, जो अक्षांश है ऐसे ऐसे खींची थी, एक प्रकार से अर्धवृत्त बना रही थी, अक्षांश एक प्रकार से अर्धवृत्त बना रही थी, ठीक है। कहने का मतलब है अगर मैं बात करूं अक्षांश की, तो ये जैसे है ना, ये अर्धवृत्त बना रही थी, अर्धवृत्त मतलब ये पूरा का पूरा ऐसे घूमी थी, तो ये अर्धवृत्त बना रही थी। आलू होती है, आलू को बीच से काट दो, अर्धवृत्त बना रही थी अक्षांश सारी, ठीक है। अब देशांतर का यहां पे वर्क क्या है? तो देशांतर समझो लॉन्गिट्यूड क्या है, तो बात समझो बहुत ध्यान से। देशांतर आपको पता है जो रेखा होगी, जैसे मान लीजिए कोई बॉल है, अब आपको पता है जिस प्रकार इसको हम लोग जीरो डिग्री नाम देते हैं, इस पूरे की पूरी रेखा को जीरो डिग्री कह देते हैं, तो जीरो डिग्री देशांतर का भी नाम है, लेकिन इसके कौन से हिस्से को? आगे हिस्से वाले को, अर्धवृत्त भी बन गया। और इसके जस्ट अपोजिट, सबको पता है कि इसके जस्ट अपोजिट जब मिलेगा तब ये छल्ला उठा के ऐसे इसको हम सेट कर देंगे, तब ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, पूरी की पूरी ये पृथ्वी ऐसे बनेगी और पूरी की पूरी पृथ्वी ऐसे बन जाएगी, मतलब ये पीछे से क्या होगी, ऐड होगी। आ रही बात समझ में? तो कहना मैं ये चाहता हूं साथी कि जब जीरो डिग्री ये होगी तो ये पीछे इसके जस्ट अपोजिट रेखा कौन सी होगी, 180 होगी, 180 होगी, ठीक है। ग्रीन विच रेखा जो है जीरो डिग्री को बोलते हैं और 180 रेखा क्या बोलते हैं, और ग्रीन विच लाइन इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो जीरो डिग्री रेखा है वो लंदन में एक शहर पड़ता है ग्रीन विच, वहां से गुजरती है, और 180 को हम लोग बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, उसका भी मैं कॉन्सेप्ट आपको बताने वाला हूं। तो समझते चलो, मजा आएगा नहीं, मजा नहीं आएगा भाई। वैभव जी यस, बिल्कुल बिल्कुल बेटा, 8 बजे से क्लास लगेगी, डेली लगेगी, ठीक है साथियों, शेयर कर देना, लाइक कर देना अगर सच में आपको मजा आ रहा हो, ठीक है, समझते चलो। अब मैं आपसे कहूं, बहुत प्यारा प्रश्न कह रहा हूं, अगर 1 डिग्री देशांतर है तो इसके जस्ट अपोजिट दूसरी देशांतर रेखा क्या होगी, जल्दी से आंसर कीजिए। जब 0 डिग्री के पीछे क्या है, 0 डिग्री के पीछे क्या है, 180, जब यही चूड़ी उठा के लाएंगे और यही चूड़ी इसके अंदर सेट कर देंगे तब यही तो बीच में ऐसे सेट हो बैठी रहेगी, ये आगे वाला हिस्सा 0, पीछे वाला हिस्सा 180। जल्दी से बताओ 0 के विपरीत 180, तो 1 डिग्री के विपरीत कौन सी रेखा होगी, जल्दी से कमेंट करके बता दो, देखे कितने लोगों का आया। ज्ञान सागर यस सर, बहुत बढ़िया बेटा, क्या बात है। शिवम सिंह गुड इवनिंग, गुड इवनिंग बेटा, बहुत बढ़िया। सचिन जी कह रहे हैं लाइक शेयर कर दिया, थैंक यू बेटा, फटाफट और शेयर करो भाई, क्योंकि क्लास शुरू से जो अटेंड करेगा ना बालक, वो बता रहा हूं बादशाह बनेगा। जल्दी तय 1 डिग्री का कोई नहीं बता रहा। संध्या जी बहुत बढ़िया, निशा चौर्या यस, प्रियंका जी स्टार्टिंग हुई है, बहुत बढ़िया। चलिए बिल्कुल, नरेश
आरती बिल्कुल अपोजिट, मैं पूछ रहा हूं एक डिग्री है तो उस साइड कौन सी होगी, तो सिंपल सी बात उस साइड कितना होगा 179 होगा। यहां पर 3 डिग्री देशांतर होता तो इसके अपोजिट क्या होती, तो आपको पता है दोनों का मिला के योग कितना आना चाहिए 180 आना चाहिए, तो 177 3 180 179 1। और ये प्रश्न कई बार पेपर में पूछे गए, कई बार पेपर में पूछे गए कि 0 डिग्री के विपरीत क्या होगी देशांतर, 1 डिग्री के विपरीत क्या होगी, 3 डिग्री के विपरीत क्या होगी। अब हमें नहीं लगता आपको कोई दिक्कत होगी, ठीक है, अब हमें नहीं लगता कि आपको कोई दिक्कत होगी। राहुल, सूरज, पूजा, आरके, निशा, मनीष, सौम्या, दिव्या, मालती, सुनील, बहुत बहुत प्यारा आंसर आपका, बिल्कुल करेक्ट। मनोज, महिमा, गणित, प्रवीण, लग रहा है आप लोग कॉन्सेप्ट को समझ रहे हो, और कॉन्सेप्ट जो बच्चा यहां पे पकड़ेगा वही बच्चा जीतेगा, याद रखिएगा। और एक चीज बहुत अच्छी, इतनी बात समझ में आ गई, इतनी बात समझ में आ गई, चलिए ये अगर बात समझ में आ गई ना, अब यहां पर बात समझिए बहुत। अब ये जो पूरा गोला होगा वो कितना होगा, वो 360 डिग्री का होगा, और 360 डिग्री बराबर क्या होगा 24 घंटे होंगे, और आपको पता है एक इससे क्या निकालते हैं टाइम, तो सिंपल सी बात है 360 डिग्री बराबर अगर मिनट में इसको बदले तो 24 × 60 मिनट हो जाएंगे, और जब 60 से इसको भाग देते क्या बचेगा 60, 6 बचेगा, 6 बराबर 24 आ जाएगा, और 1 बराबर क्या आ जाएगा 1 बराबर 4 मिनट आ जाएगा। कहने मतलब इधर मामला चल रहा था डिग्री में, तो 1 डिग्री बराबर क्या होता 4 मिनट होता, बहुत बार पेपर में प्रश्न पूछा गया 1 डिग्री देशांतर बराबर क्या होता 4 मिनट होता, अब बता सकते हो। और 1 घंटा कितने डिग्री के बराबर होगा, तो सिंपल सी बात है 1 घंटे का मतलब होता 60 मिनट, तो सिंपल सी बात है 15 डिग्री बराबर क्या होगा 60 मिनट होगा, 15 डिग्री का मतलब क्या होगा 60 मिनट, क्लियर बात। आधे घंटे का कितना होगा तो 7.5 डिग्री होगा, हाफ एन आवर का क्या होगा 7.5 डिग्री होगा। बहुत बढ़िया अनुज जी, मजा आ गया, संध्या बहुत मजा आ रहा है, बहुत बढ़िया बेटा मजा आ रहा ना, तो एक बार लाइक तो बनता है, शेयर बनता है ना भाई, लाइक शेयर तो बनता है ना, शेयर कर दो, लाइक कर दो, बहुत मजा आएगा, क्यों परेशान होते हो। हाँ राजकिशोर, क्लास कितने बजे से होती है, क्लास बेटा आपकी जो स्टार्ट होती है वो स्टार्ट होती है रात्रि के 8 बजे, ठीक है, और ये मंडे टू फ्राइडे चलेगी, 2 दिन में आफ रखूंगा, मंडे टू फ्राइडे आप डेली ज्योग्राफी सीखोगे, जैसे ही मेरा टॉपिक समाप्त होंगे वैसे ही आपकी क्वेश्चन सीरीज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करेंगे, एक टॉपिक खत्म एक टॉपिक का प्रीवियस ईयर, एक टॉपिक खत्म एक टॉपिक का प्रीवियस, ज्योग्राफी नस नस में दौड़ेगी, ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, क्लियर बात। संजय जी कह रहे हैं सर जी करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स बेटा स्टार्ट होगी वो होगी वीकेंड आएगी, हो सकेगा तो संडे संडे करंट अफेयर्स आएगी, लेकिन थोड़ा सा वेट, ज्योग्राफी आप सीखते रहो वो भी मैं चालू करूंगा, बिल्कुल आप परेशान मत हो, ठीक है, चलिए इतनी बात समझ में आ गई ना, इतनी बात समझ में आ गई। तो समय का महत्व आप याद रखिएगा, 1 डिग्री देशांतर बराबर क्या होता है 4 मिनट होता है, 360 डिग्री बराबर क्या होता है 24 घंटे होते हैं, इससे हमने निकाल दिया पूरा का पूरा समय, और यह डाटा बहुत काम आने वाला है, याद रखिएगा। अब यहीं पर मैं बात करता हूं, यह खिंचगी रेखा कौन सी, यह रेखा खिंचगी कौन सी 0 डिग्री देशांतर, जब ये 0 डिग्री देशांतर खिंच गई तो सिंपल सी बात है इधर की ओर जाएंगे, इधर की ओर जाएंगे तो कौन सी हो जाएगी, इधर की ओर बालक जब हम लोग जाएंगे ना, तो सिंपल सी बात है ये दिशा कौन सी है पूर्व की, और ये दिशा कौन सी है पश्चिम की, ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, रेड कलर आप लोगों को दिख रहा है नहीं दिख रहा, जल्दी बताइए, नहीं दिख रहा, इतना मजा नहीं आ रहा ना, कोई बात नहीं, मैं दूसरा कलर, बहुत सारे कलर हैं यहां पे, ये दिखेगा आपको, ये पूर्व साइड और ये हो जाएंगे पश्चिम साइड 0 डिग्री, और 0 डिग्री देशांतर ये कहां से गुजरती है भी आपको याद रखना है, लंदन का शहर है, लंदन के ग्रीनविच, लंदन के ग्रीनविच से गुजरती, कौन सी रेखा 0 डिग्री देशांतर, लंदन के ग्रीनविच से, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई, इतनी बात आप लोगों को समझ में आई, ये रेखा गुजरती है, क्लियर बात, क्लियर बात, बहुत बढ़िया, चलिए कोई बात नहीं, चलिए इतनी समझ में आ गया, चलिए
नानी जी, नंदिनी जी, आप क्या कमेंट कर रहे हैं जल्दी बताइए फटाफट। हाँ, सभी लोग कह रहे हैं ब्लू कलर अच्छा है, तो ब्लू कलर ही पढ़ें, कोई दिक्कत नहीं है। तो समझिए, लंदन के ग्रीनविच से गुजरते हैं, इसीलिए इस रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं, इस रेखा को हम लोग ग्रीनविच लाइन भी कहते हैं, ग्रीनविच लाइन के नाम से भी इसको हम लोग जानते हैं। यहीं से समय का निर्धारण कहते हैं। अब इस साइड जाएंगे तो पूरब है, इस साइड जाएंगे तो पश्चिम है। तो बालक आप हमें यह बताओ किस साइड समय बढ़ेगा। तो आपको पता है सूर्य किस दिशा में उगता है, पूरब की पश्चिम। सूर्य उगता है हमेशा किस दिशा में, पूर्व दिशा की ओर उगता है। तो जब पूरब होगा तो उस सूर्य जो है ईस्ट साइड राइज होता है। तो याद रखिएगा, पूर्व की तरफ जब जाएंगे तो समय क्या होगा, प्लस होगा, और जब पश्चिम की तरफ जाएंगे मतलब अंत होता है, मतलब अस्त होता है सूर्य का, तो वो क्या होगा, वहां पर समय जो होगा वो घटेगा। क्लियर है बात? तो ये भी आपको पता चल गया अच्छे से, बहुत बढ़िया। राहुल ब्लू से लिखे, बिल्कुल ब्लू और येलो दो कलर यूज करूंगा, परेशान मत हो। सचिन रॉकी रा, बहुत प्यारा बहुत प्यारा, चलिए मजा आ रहा ना, क्या बात है। राहुल सिंह पीला कलर अच्छा है, कोई बात नहीं बेटा पीला कलर, ठीक है। आरती जी कह रहे सर बोल्ड ब्लैक रखा करिए, ठीक है कोशिश करेंगे, ठीक है चलिए समझने से अच्छा। देखो ब्लू ब्लू येलो ये सब बेकार है, कोई मतलब नहीं, ये रंग बिरंगी दुनिया है, केवल देख रहे हैं हम लोग। बाकी जो दुनिया है असली ना, वो क्या है, पढ़ाई है, जहां पे हमें नौकरी पाना है, अपना लक्ष्य पाना है, और लक्ष्य को लक्ष्य बना के चलना है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, इतनी बात समझ में आ गई। सूर्य पूरब में उगने की वजह से पूरब की तरफ जाएंगे तो समय क्या होगा, बढ़ेगा। और याद रखिएगा, 0 डिग्री के विपरीत में कौन सी रेखा है, 180 डिग्री पूर्वी देशांतर है। और 180 डिग्री रेखा को क्या बोलते हैं, 180 डिग्री को याद रखिएगा, यहीं पर अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल डेट लाइन। इंटरनेशनल डेट लाइन किसको कहते हैं, 180 डिग्री को कहते हैं। क्यों कहते हैं, तो बात समझो बहुत ध्यान से। आपको पता होना चाहिए कि जब हम लोग इधर से रात्रि में अगर 12 बजे से चले, रात्रि में अगर हम 12 बजे से चले 0 डिग्री से, ठीक है, और जब दूसरी तरफ पहुंचेंगे तो ये पूरे पूरे हम क्या 12 इधर कितना 180 डिग्री होगा। और 180 डिग्री को अगर हम भाग दे दें किससे, आप एक तरह से कह सकते हो 15 डिग्री, क्योंकि 15 डिग्री एक घंटे के बराबर होता, तो 12 घंटे निकल आएंगे। तो रात्रि के 12 बजे चलेंगे तो ये क्या होगा, यहां पे जाने के बाद दिन क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। इसीलिए इसको कहते हैं अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, और इसको कहते हैं अंतरराष्ट्रीय समय रेखा। बहुत प्यारे प्यारे प्रश्न हैं और बहुत छोटे छोटे डाउट हैं जो आपके क्लियर हो रहे होंगे। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आगे बात करूं, जल्दी से आगे इसको स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं आगे बात करूं। देखो स्क्रीनशॉट लेने से पहले दो तीन चीजें और समझ लो। मैंने बताया था कि दो अक्षांश के बीच की दूरी कितनी होती है, 111 किलोमीटर। उसी प्रकार दो देशांतर के बीच में दूरी कितनी होती है। देखो देशांतर रेखाएं तिरछी खींची जाती हैं, देशांतर जो रेखाएं हैं वो जीरो, ये जो इस रेखा है इसके क्या होती है, इसके तिरछी, ये सारी रेखाएं कैसी खींचती होती हैं, तिरछी होती हैं। कोई बता सकता है तिरछी क्यों खींची होती है, तिरछी इसलिए खींची होती है क्योंकि पृथ्वी की आकृति जियोड टाइप की है, अंडाकार है, और अगर सीधी रेखा खींच दें तो आप यहां पे क्या हो जाएंगे, यहां पे अस्थिरता आ जाएगी, ठीक से भर नहीं पाएंगी, और जियोड टाइप होने के कारण क्या हो जाएगा, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल बना के दिखाई देता हूँ, जैसे पृथ्वी आकृति अंडाकार है और सीधी खींच दो, आप ऐसे से खींच तो दोगे, लेकिन यहाँ पर अब ये स्पेस बहुत ज़्यादा, मतलब ज़्यादा कम हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे स्पेस ज़्यादा हो गया, अब यहाँ पे कैसे खींचेंगे अंडाकार होने की वजह से। तो इसीलिए रेखाएं कैसा निर्णय लिया गया, तिरछी खींची गई, जिससे क्या हो गया, पूरा का पूरा संपूर्ण 360 डिग्री रेखाएं खींच जाए, जिसमें 24 घंटे पूरा का पूरा बराबर प्रतिनिधित्व हो जाए। इसीलिए ये रेखाएं तिरछी खींची गई, एक एक चीज बताएंगे। और तिरछी क्यों खींची गई, क्योंकि पृथ्वी की आकृति अंडाकार है। आगे बात समझ में, पूरा का पूरा भाई मजा आ जाएगा, ठीक है। चलिए चलिए मजा आ रहा है ना, मजा आ रहा है ना, मजा आएगा, ठीक है। चलिए बहुत प्यारा साथियों, शेयर तो बनता है अब एक बार, ठीक है, शेयर बनता है, कर दो अगर मन हो तो। चलिए अब क्या बताने वाला, तिरछी का रीजन में बता दिया,
दो देशांतर के बीच में दूरी कितनी होती है, जिस प्रकार दो अक्षांश के बीच में दूरी होती है 111 किलोमीटर, दो अक्षांश के बीच की दूरी, उसी प्रकार दो देशांतर के बीच की दूरी कितनी होती है। तो याद रखिएगा, दो देशांतर के बीच की दूरी दो प्रकार से आपको याद रखनी है। कैसे आपको याद रखनी है? दो देशांतर के बीच की दूरी यहां पे मैं लिखे दे रहा हूं, एक होती है मैक्सिमम, एक होती है मिनिमम। तो पेपर में प्रश्न भी आते हैं, क्या आते हैं, क्योंकि देशांतर रेखाएं जो है ना वो तिरछी खिंची है, इसीलिए ये सब जाके क्या होती है, ध्रुवों पर मिल जाती है। कहने का मतलब है उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, देशांतर रेखा कहते हैं। और देशांतर रेखा जो होती है उत्तर से दक्षिण खींची जाती है, और जो अक्षांश रेखा होती है वो पश्चिम से पूरब खींची जाती है, पूरब से पश्चिम खींची जाती है। बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए, तो कहना मैं ये चाहता हूं कि जो ये रेखाएं हैं देशांतर, ये ध्रुवों पर जाके क्या होती हैं, एक स्थान पे मिलती हैं। ध्रुवों पर जाके एक स्थान पे क्या होती है, मिलती हैं। तो दो प्रकार से प्रश्न आते हैं कि दो देशांतर के बीच की दूरी, तो याद रखिएगा मैक्सिमम कहां पर होती है, तो मैक्सिमम बेटा होती है कहां पर, भूमध्य रेखा पर, मतलब इक्वेटर पे, भूमध्य रेखा पर होती है। वो भी कितनी होती है, तो याद रखिएगा 111.32 किलोमीटर होती है, ठीक है। 111.32 किलोमीटर होती है, दो देशांतर के बीच में दूरी कितनी होती है, 111.32 किलोमीटर होती है दो देशांतर के बीच की दूरी, और मैक्सिमम कहां होती है, भूमध्य रेखा पर होगी। अभी एक प्रश्न और मैं आपसे पूछूंगा, मजा ही मजा आएगा, ठीक है। चलिए, यही प्रश्न आ गया, दो देशांतर के बीच में एक मिनिमम दूरी भी होती है, वो कहां पर होती है, वो होती है ध्रुवों पर, क्योंकि ध्रुवों पर कोई भैया कोई तो बनती ही नहीं दूरी। क्यों नहीं बनती, क्योंकि बालक आपको पता होगा ध्रुवों पर रेखाएं जाके मिल जाती हैं, तो वहां पर कितनी दूरी होती है, 0 किलोमीटर होती है। सब आपस में जाके एक ही जगह एक बिंदु पे मिल गई। उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, देशांतर, लॉन्गिट्यूड। क्लियर है बात, मजा आ रहा है ना, बहुत बढ़िया रोहित जी, बिल्कुल करेक्ट है। ध्रुवों पर 0 होना चाहिए, होना क्या चाहिए, होती है, ठीक है, याद रखिएगा। हाँ, यहाँ पे राहुल जी का आंसर है 111.4 किलोमीटर, बेटा आप ये याद कर लो, बिल्कुल करेक्ट डाटा है, 111.32 किलोमीटर भूमध्य रेखा पर। तो मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन टू लॉन्गिट्यूड्स 111.32 किलोमीटर, क्लियर बात। मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू लॉन्गिट्यूड्स 0 किलोमीटर, और मिनिमम डिस्टेंस कहां होती है, ध्रुव पर होती है, और मैक्सिमम कहां होती है, वो होती है इक्वेटर पे। कोई डाउट, कोई डाउट, नो डाउट। अब आपसे एक प्यारा सा प्रश्न पूछा जाएगा, और आप फिगर देख के केवल बता दोगे। जब आप भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं, तो दो देशांतर के बीच की दूरी कम होती जाती है कि बढ़ती जाती है, आपको पता होगा, क्योंकि जब भूमध्य रेखा से हम ध्रुवों की ओर जाते हैं, चाहे वो उत्तरी ध्रुव जाए चाहे दक्षिणी ध्रुव जाए, सिंपल सी बात है, चौड़ाई कहां पर स्थित है, भूमध्य रेखा, ध्रुवों की ओर जा रहे हैं, सिकुड़ते हुए जा रहे हैं, सिकुड़ते हुए आ रहे हैं। कहने का मतलब है भूमध्य रेखा से जब ध्रुवों की ओर जा रहे हैं, दो देशांतर के बीच की दूरी कैसे होती जा रही, कम 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 कम, तो कम होती जा रही। और यही प्रश्न आ जाए आपका, ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर आ रहे हैं, ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर आ रहे हैं, तो दो देशांतर के बीच की दूरी क्या हो रही, बढ़ती जा रही। तो प्रश्न उम्मीद करते आपको समझ में आ गया होगा, समझ में उम्मीद करते आपको आ गया होगा बालक। और फटाफट कमेंट करके बता दो कितना, कितने लोगों को ये प्रश्न नहीं आया, फिर से मैं बता दूंगा, लेकिन प्रश्न अगर अब भी ना आया हो ना, तो आप बताइए, जल्दी से बताइए फटाफट। प्रवीण, महिमा, राहुल, दीपक, आदर, सचिन, जल्दी से कमेंट करके बताइए कितने बच्चों के प्रश्न नहीं समझ में आया। अगर प्रश्न आ गया हो तो लाइक एंड शेयर ठोक देना मेरे भाई, जल्दी से बताइए कितने लोगों को ये कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा क्लियर हो गया। चलिए, कन्हैया राय, मजा आ गया, बहुत बढ़िया, बढ़ती जाती, बिल्कुल बहुत प्यारा। चलिए, सेजल, कम होती जाती, बिल्कुल बिल्कुल बहुत बढ़िया। प्रश्न समझ में आ गया कि नहीं आ गया, इतना बताओ बस। राजपति, आपको आ गया, क्या बात है, राजपति जी को भी आ गया। सचिन जी, बहुत मजा आ रहा है, पढ़ते चलो बेटा, मजा ही मजा आएगा, क्यों परेशान हो आप लोग, ठीक है। सुप्रिया जी, प्लस प्लस प्लस, बहुत प्यारा आंसर, आप लोग इतना प्यार दे रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं, मजा आ जाएगा। बस प्यार आपका ये चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा साथियों को जोड़ना है आपको, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा साथियों को आपको जोड़ना है। मैं आपको ये बता रहा हूं, मास्टर बना के छोड़ूंगा,
बिल्कुल सेजल जी, ध्रुवो से भूमध्य की ओर जब आएंगे, ध्रुवो से भूमध्य रेखा की ओर आएंगे बढ़ती जाती, और भूमध्य से ध्रुवो की ओर जाएंगे घटती जाएगी, ठीक है। और ये प्रश्न याद रखिएगा, बहुत सरल प्रश्न ने बता दिया। चलिए महिमा जी आपको आ गया, राहुल आ गया, चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। प्रवीण आदर्श, चलिए क्या बात है। और किसी बच्चों को नहीं आया, थोड़े बच्चों को आया, ज्यादा बच्चों को नहीं आया ना। चलिए चलिए, मनीष जी कह रहे सर टाइम वाला नहीं आता, परेशान क्यों, मैं हूं ना। कृष्णकांत जी, आनंद ही आनंद परमानंद, बहुत बढ़िया क्या बात है बेटा। कन्हैया जी कह रहे हैं सर आग लग रही है धीरे धीरे, आग तो लगेगी इस बार आग लगेगी भूगोल में आपकी, ठीक है, मैपिंग की सहायता से। चलिए मनोज जी कह रहे हैं सर जी कहानी की तरह समझ में आ रहा, बिल्कुल मजा आ रहा है, क्या बात है बेटा। अनिल जी कह रहे हैं स्क्रीन शॉट लेना है, तो बेटा आप स्क्रीन शॉट ले लीजिए आप लोग, ठीक है, मैं हट जाऊंगा, मैं आपके स्क्रीन शॉट में डिस्टर्ब नहीं करूंगा बिल्कुल। साथियों शेयर कर दो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को, लाइक कर दो वीडियो को, और दिखा दो कि दम है यहां पे भूगोल की कक्षा में, आप भी आ जाओ जुड़ो और अपने ज्ञान में बढ़ोतरी कर लो। बहुत बढ़िया अर्जुन जी, बिल्कुल क्या बात है। और साथ ही सभी से बस एक बात कहना चाहता हूं, जितने लोग हो ना डेली कंटिन्यू रखना, मंडे टू फ्राइडे, सैटरडे संडे रिवीजन करना, लेकिन मंडे टू फ्राइडे आप हमारे पास आ जाना, वहां पे बिल्कुल भी लापरवाही मत करना, ठीक है। चलिए उम्मीद करते सभी बच्चों को बहुत प्यारा समझ में आ गया। और मैं अब देखिए एक घंटे क्लास ओवर हो चुकी है, एक घंटे से ज्यादा हो चुकी है, ठीक है। चलिए विवेक जी कह रहे हैं सर ज्योग्राफी इंड तक पढ़ाएंगे, बिल्कुल पढ़ाएंगे मेरे बालक, और सभी बच्चों को बहुत अच्छे समझ में आया ना, मजा आ रहा है, क्या बात है। अच्छा सभी बच्चे कह रहे हैं सर बैटरी लो हो रही है, चलिए हाँ। सूरज जी कह रहे हैं सर एक भी क्लास मिस नहीं करेंगे, बिल्कुल, तो आप विश्वास भी मानिए आप बादशाह बन जाएंगे ज्योग्राफी के, ठीक है। चलिए चलिए मजा आया ने, अब आज की क्लास यहीं पर रोकते हैं, मिलते हैं कल हम आपको रात्रि के 8 बजे, और इसी के आगे कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि देशांतर में कल सीखेंगे हम लोग क्या टाइम निकालना, भारत की भी मानक समय रेखा यहां पर सीखेंगे, भारत की स्थिति जो इस प्रकार लाएंगे ना आप भी कहोगे हाँ है, और स्थिति को मैं बताना चाहता हूं कैसे आएगा वो, कहां पर मैं दिखाना चाहता हूं आपको, ये विश्व के संदर्भ में यहां पर स्थित है भारत की स्थिति, और मैं इसको बहुत प्यार से बताऊंगा, तब आपको बिल्कुल मिनटों में ये चुटकी बजाते हुए समझ में आ जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए बहुत बढ़िया मनोज जी, सर सुबह वाली हिस्ट्री चलती है बेटा, मंडे चलेगी वो भी चलेगी, ठीक है। चलिए सचिन जी कह रहे हैं व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दिया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। प्रिया जी थैंक यू सो मच, अगर आप रेगुलर पढ़ाएं सर तो जरूर बादशाह बनेंगे, बिल्कुल बनेंगे इस बार, गारंटी मैं दे रहा हूं, ठीक है। चलिए चलिए मजा आ गया ना, इस तरह मैप पे लोकेशन मैं आपको दिखाऊंगा, एक एक चीज मैं आपकी पूरा ये मान लीजिएगा पूरी विधिवत तरीके से कंप्लीट कराने वाला हूं। जैसे एक मान लो होता नहीं कि बड़े बड़े इंस्टीट्यूट संस्थानों में होते कि आप एक एक दो दो लाख रुपए देने के बाद प्रवेश लेते हैं तब आपको चीजें मिलती हैं, और इस तरह एक्सप्लेनेशन भी नहीं कराता है कोई, क्यों, क्योंकि वहां पे बच्चों की तादाद इतनी ज्यादा होती है कि आप लोग हेजिटेशन महसूस करते हैं। आप यहाँ पे बिल्कुल फ्रीली पूछिए और मैं सब कुछ बताऊंगा। चलिए सभी लोगों को मजा आया ना साथियों, तो अगर वीडियो सच में मजा आई हो ना तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अपने साथियों को बता देना आ जाओ अभी, समय बीता नहीं है, वरना जब चिड़िया पानी चिड़िया वही है ना खेत कूद जाएगी तब कुछ फायदा नहीं रहेगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए विवेक जी कह रहे हैं सर आप बीच में छोड़कर नहीं जाना, नहीं जाऊंगा। चलिए बेटा अब मैं आपसे विदा लेता हूं, मिलता हूं आपको कल रात्रि 8 बजे, और वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और याद रखिएगा कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट देना जरूर मत भूलिएगा, क्योंकि वहीं से मोटिवेशन मिलेगा कि आप लोगों को कॉन्सेप्ट कैसा लगा, आज रही इंट्रोडक्शन क्लास फर्स्ट ज्योग्राफी की, ठीक है। कल मिलते हैं आपको रात्रि 8 बजे, जय हिंद जय भारत।